खबर यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर की है, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई में केफो से लगभग 20 जोड़े पकड़े गए हैं, जिनमें अधिकतर स्कूल के छात्र एवं छात्राएं हैं। कई जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में अधिकारियों ने मौके पर पकड़ा है। सीओ सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि केफो पर आपत्तिजनक कार्य होने की सूचना मिली थी, जिस पर छापामार कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई के दौरान कैफोस के सोफों से आपत्तिजनक स्थिति में युवक एवं युवतियों को बरामद किया गया है, साथ ही उनके पास से आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई हैं। महावीर चौक के पास ये कुछ तथाकथित पास सेंटर चल रहे थे। एक जागरूक नागरिक द्वारा पुलिस को गुप्त सूचना दी गई कि यहाँ पर स्पा की आड़ में अनैतिक कार्य चल रहे हैं। उसकी सूचना मिलने पर मेरे और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा कल यहाँ पर जो है छापेमारी की गई। देखिए, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, दो रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। यहाँ पर कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली है और उसके आधार पर यहाँ कार्रवाई की गई। और इसमें देखा गया तो रेस्टोरेंट के पास जो है उनके पास किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस भी उन्होंने उपलब्ध नहीं करा पाया, तो फूड विभाग के द्वारा भी यहाँ कार्रवाई की जा रही है और इसको सीज किया जा रहा है।